लोकसभा चुनाव 2019-23 भिमंडी लोकसभा। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार चरम सीमा पर है। आज भिमंडी पूर्व व भिमंडी पश्चिम में रैली निकाली गई, जहां पर उम्मीदवार कपिल मुरेश्वर पाटिल के अलावा वहां पर भारी संख्या में शिवसैनिकों ने अपना दस्तखत दिया। प्रकाश पाटिल जो शिवसेना की रीढ़ की हड्डी माने जा रहे हैं, यहाँ पर प्रचार का मुख्य बागडोर संभाले हुए हैं। उन्होंने हमारी टीम को भी जानकारी दी कि हमारा प्रचार प्रसार किस तरह चल रहा है। दूसरी तरफ अगर तस्वीर दिखाएं आपको, तो वहाँ पर मदन बुआ नाइक, ग्रामीण के आमदार शांताराम मोरे, पूर्व के आमदार शिवसेना के रुपेश मात्रे के अलावा वहाँ पर पश्चिम के आमदार महेश चौगले भी शामिल थे। आपको हम ये जताना चाह रहे हैं कि भिवंडी लोकसभा को लेकर के दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों में एक कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अगर यूं कहें कि मतदाताओं का रुझान, तो कहीं पर नाराजगी की बात सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ अगर तस्वीर दिखाएं कपिल मुरेश्वर पाटिल के कार्यों में, लोगों ने अपनी दृढ़ता दिखाते हुए उन्होंने कहा कि कपिल मुरेश्वर पाटिल ने जिस तरीके से काम किया है उसको लेकर के कपिल पाटिल को समर्थन अच्छा मिल रहा है। लेकिन वहीं सुरेश कासीना टावरे, जो पहले सांसद रह चुके थे, उन्होंने भी अपने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो हम आपको लेके चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की रैली दिखाने के लिए, जहां पर भारी संख्या में लोगों ने इकट्ठे होकर के एक तस्वीर बनाने की कोशिश की कि हम यहां पर जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कपिल मुरेश्वर पाटिल जब पहुँचे अपने प्रचार प्रसार के लिए, तो उन्हें नई साइकिल पर सवार होकर के प्रचार करने का जो शौक था वो उन्होंने पूरा किया और नई साइकिल उन्हें मिली और उन्होंने टेमघर इलाके में जाकर के साइकिल से प्रचार किया। साइकिल पर सवार होने वाले कपिल मुरेश्वर पाटिल के अलावा वहां पर आमदार रुपेश मात्रे और मदन बुआ नाइक को भी देखा जा सकता है साइकिल पर, जिन्होंने प्रचार प्रसार करते हुए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की है। तो चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं चुनाव प्रचार के इस रैली में।